वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी मित्रों का फिर से एक और स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से एक लेटेस्ट वीडियो में लेकर आ गया हूँ, जिसमें कि आज हम बात करेंगे फोन पे और गूगल तेज के बारे में, गूगल पे यानी कि पहले जो तेज नाम से चलता था उसके बारे में। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या समानताएँ हैं, ये दोनों चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ, जबकि किसी भी ऐप्स का हम लोग अब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उसके ऑफर्स को ज़रूर देखते हैं, उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन पे खोल लिया है, चलिए दूसरे तरफ से गूगल तेज भी यहाँ पर से आपको मिनिमाइज करके खोल लेते हैं। ये देखिए मैंने अपना गूगल तेज यानी गूगल पे भी खोल चुके हैं। ये देखिए ये इस तरह से कुछ है। अब देखिए मेरे ये कॉन्टेक्ट हैं और ये गूगल पे है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पे करने के लिए मुझे एक फ़ास्ट मोड दिया जाता है, इसे चाहते हैं तो हम यहाँ से पे कर सकते हैं। दूसरा आते हैं नीचे तो इसमें बिजली बिल है, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, लोगों को पैसा भेज सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और किसी को इनवाइट करते हैं तो 51 रुपीज़ जो मिलता है मुझे डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाता है। और सामने में ये भी ऑप्शन दिया गया है कि बैंक से चेक बैलेंस यहाँ से कर सकते हैं, उसके अलावे और ट्रांजेक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं और रिवार्ड सेक्शन में कितने रिवार्ड आज तक मिले ये चेक कर सकते हैं। और बैक आते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जस्ट नियर में यहाँ पर ऑफ़र दिया गया है, ये इसमें कुछ खास ऑफर्स रहते हैं जो कि है भी ये इस तरह से। तो इसमें कितने ऑफर्स टोटल रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऑफर। जबकि हम लोग बात करें रियलिटी की सारे ऑफर्स की, तो हम या तो पे करते हैं किसी को पैसा मोर देन 150 रुपीज़ तो ये स्क्रैच कार्ड मिल, जो कि मात्र 3 ही कूपन मिलती है। आज के डेट में रियलिटी है कि जो इतने सारे ये ऑफर दिए गए हैं इतना यूज हम लोग नहीं करते हैं इसका, जो हम लोग के काम का ऑफ़र है वही ऑफ़र सिर्फ यूजेबल, नहीं तो ऑफ़र कोई काम का नहीं है। इसमें मान के चलिए हम लोग अगर किसी लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं यानी कि विलेज में रहते हैं तो ये सारे ऑफ़र्स जो आपको हम तो दिख रहे हैं, ये सारे ऑफ़र्स इनवाइट है, गो बीबो है, ये उबर है, ये सारे ऑफ़र्स जो भी हैं हमारे किसी काम का नहीं होने वाला है। इसके बाद सिर्फ इसमें मेनली हम लोग का दो ऑफर काम का आता है, एक ये मोर देन 500 रुपीज़ और मोर देन 150 रुपीज़ शेयर करने का, उसके अलावा इसमें जो भी ऑफर है हम लोग के लिए किसी काम का नहीं है। तो चलते हैं अब बात करते हैं फोन पे के बारे में, ये आ जाते हैं फोन पे पर। चलिए ये रहा फोन पे, खोलिए ये देखिए इसमें क्या क्या मिलते हैं। मैं रिचार्ज करने का उसमें भी रिचार्ज फोन गूगल पे में भी रिचार्ज करने की ऑप्शन मिलती थी, बट उसमें कोई रिवार्ड नहीं था रिचार्ज करने में, जो बीच में आए थे भी हटा दिया गया। तो मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कौन वेस्ट है दोनों में, अगर आने पर वो कुछ अच्छा ऑफर देता तो वो हो जाएगा बिल्कुल। तो सामने में ही मुझे इसमें भी मिल जाती है ऊपर से टू कॉन्टैक्ट टू बैंक टू सेल्फ टू बैंक चेक बैलेंस, ये सारे ऑफर नॉर्मल, ये सारे बटन्स नॉर्मल हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे आते हैं ऑफर्स है, रिवार्ड है, रेफर है। रेफर में वहाँ पर मिलती थी 51 रुपीज़ जो कि बैंक अकाउंट में, यहाँ रेफर करते हैं तो बैंक अकाउंट में तो डायरेक्ट नहीं मिलती बट 100 रुपीज़ मिलते हैं, इसे बैंक अकाउंट में हम लोग चाहें तो किसी अन्य माध्यम से ले सकते हैं। उसके अलावा ये ऑफर्स में आते हैं तो ऑफर्स में आप वहाँ पर जब 150 रुपीज़ किसी को भेजते हैं तो वीकली 3 कूपन आपको मिलता है और मोर देन 500 भेजने पर 1 कूपन एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि लॉटरी सिस्टम में मिल भी सकती है, कुछ नहीं भी मिल सकती है। और इसमें बात करें तो ये रिवार्ड सेक्शन में आते हैं तो सबसे पहली बात इसमें आप किसी को मनी सेंड करते हैं 100 रुपीज़ तक के ज़्यादा तो आपको एक कूपन मिलना ही, यानी कि मिनिमम डेली आप 10 कूपन तक कर सकते हैं। तो गूगल पे के सामने तो ये तो अच्छा ही ऑफर हुआ ना, इसमें भी आपको 100 1000 रुपीज़ तक मिलते हैं, उसमें भी 1000 रुपीज़ तक मिलते हैं, दोनों में ये अच्छा ऑफर माना जा सकता है। इसका बैलेंस जो आता है बैंक अकाउंट में तो नहीं जाता है, बट चाहें तो उसे भी ले सकते हैं, बगैर रिचार्ज भी कर सकते हैं। उस बैंक अकाउंट में जाने के कारण थोड़ा सा उसमें ये एज हो जाता है, यानी कि उसके के लिए एक अच्छा माना जा सकता है कि वो बैंक अकाउंट डायरेक्ट भेजता है और ये वालेट में, हालांकि वालेट भी है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके अलावा इसमें बात करते हैं ऑफर्स में, जो उसके ऑफर्स के सामने इसके ऑफर्स की तुलना करते हैं तो ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं। अब अगर आप कैशबैक की बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑफर जो हम लोग काम के नहीं होंगे मैं इसमें ही बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो कहीं भी होगा, आप कहीं कहाँ छोटे से छोटे गांव में हैं, बड़े से बड़े गांव में इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना ही करना है आपको। और यहाँ पर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो दिल्ली में होती है या फिर कहीं दूसरे जगह, दिल्ली मेट्रो के लिए तो हम लोगों के काम की नहीं होने वाली है, या फिर एरिया स्पेसिफिक है। इसमें बहुत सारे जैसे गोबीबो जो विलेज में रहने वाले हैं उनके लिए ये भी किसी काम की नहीं ऑफर, जैसे उसमें भी गोबीबो का था इसमें भी है। और बहुत सारे जैसे क्रेडिट कार्ड, हर लोग यहाँ भी इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं कि क्रेडिट कार्ड हर लोग यूज करते हों,
साथ में जब पोस्ट पेड रिचार्ज की बात करें तो वो भी ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग तो करते हैं, बट सही है, पोस्ट पेड तक तो मान सकते हैं सही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और रिचार्ज, ये चीज़ इसमें अच्छा माना जा सकता है। इसके अलावा नीचे आते हैं KFC और ये पेंटालून्स, ये सब नॉर्मल, पेंटालून्स भी लोकल एरिया में नहीं है, शहरी एरिया में, बट सही है पेंटालून्स, मगर ये सब माना जाए तो सही है इसमें। ड्रीम इलेवन में करते हैं 10, मतलब 10 लोगों को आप शेयर करते हैं, 10 में 10 मिलता है कैशबैक, नीचे जो आपको दिख रहा है, ये सारे ऑफर सही हैं, तो इस हिसाब से माना जाए तो फोन पे सही है अभी। तो ये दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो रिचार्ज, बिल पेमेंट, ट्रेवल और मतलब जो भी इसमें सारी मूवीज अदर्स जो भी सब देखते हैं, तो इसमें सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जो गूगल पे में नहीं मिलता है। तो इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि फोन पे इज़ बेटर देन गूगल पे। और आप देख सकते हैं दोनों मैंने यूज कर रहा हूँ, दोनों में मेरी अपनी राय हो सकती है, अगर आपको इसमें कुछ लगती है, आपकी राय ज़्यादा इसमें कम लगती है, यानी मैं मेरे राय से आप सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट कर दें, मुझे लगता है ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपका दिन शुभ, मुझे लगता है कि मैंने सही तुलना किया है तो सही है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।